संभावना टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं गार्गी। प्रियंका चोपड़ा अब ईरान की महिलाओं के समर्थन में उतर आई हैं और उनके साहस की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि ईरान और दुनिया भर में महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं, सार्वजनिक रूप से अपने बाल काट रही हैं और महसा आमिनी के लिए विरोध कर रही हैं। ज़बरदस्ती की चुप्पी के बाद जो आवाज़ उठती है वो ज्वालामुखी की तरह फटती है और उन्हें दबाना नहीं होगा। आगे लिखती है प्रियंका, मैं आपके साहस की तारीफ करती हूँ। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपनी जान जोखिम में डालना आसान नहीं है, लेकिन आप साहसी महिलाएं हैं जो हर दिन ऐसा कर रही हैं, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। प्रियंका का कहना है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जिन जियान आज़ादी, महिलाएं जिंदगी आज़ादी, आवाज़ उठाएं ताकि इन आवाज़ों को अब चुप रहने के लिए मजबूर ना किया जा सके। आपको बता दें कि ईरान में 22 साल की महसा आमिनी को मॉरेलिटी पुलिस ने इसीलिए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने ठीक से हिजाब नहीं पहना था। इसके बाद पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। पुलिस पर महसा को टॉर्चर करने का आरोप लगा था, जबकि पुलिस का कहना है कि महसा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तब से ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।